पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष तेज बहादुर सिंह आज मुरादाबाद पहुंचे, जहां पर उत्तर प्रदेश वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन मुरादाबाद की कमेटी द्वारा प्रदेश अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान मुरादाबाद इकाई के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष के समक्ष अपनी विभिन्न समस्याएं भी पत्रकार हित में रखी गयी। प्रदेश अध्यक्ष तेज बहादुर सिंह के द्वारा पत्रकारों की समस्याओं को सरकार के सामने रखने की बात कही गई है। दरअसल लगातार देश में पत्रकारों के हित में लड़ाई लड़ रही उत्तर प्रदेश वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष तेज बहादुर सिंह ने पत्रकार वार्ता करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने खुशी जताई है और कहा कि जिस प्रकार की यूनिटी मुरादाबाद के पत्रकारों में है, ऐसा तालमेल और मेलजोल प्रदेश के अन्य किसी जनपद के श्रमजीवी पत्रकारों में नजर नहीं आता। उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक आने वाले हैं और सभी राजनीतिक दलों से कहा जाएगा कि चुनावी एजेंडे में पत्रकार सुरक्षा कानून को शामिल किया जाए। साथ ही कहा कि पत्रकार राजनीतिक दलों के लिए अहम लड़ाई लड़ता है, तो सरकार और राजनीतिक दलों को भी पत्रकारों के हित की लड़ाई लड़नी होगी और अपने चुनावी एजेंडे में पत्रकार सुरक्षा कानून को शामिल करना होगा। देश के विभिन्न प्रदेशों में पत्रकार पेंशन योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी पत्रकार पेंशन योजना चलाई जाए, साथ ही प्रदेश स्तरीय जिला स्तरीय पत्रकारों को भी पेंशन देने की घोषणा सरकार के द्वारा की जाए। हर जिले के हर सूचना कार्यालय में एक ऐसी आपात निधि की व्यवस्था की जाए जिससे किसी भी पत्रकार की आवश्यकता को देखते हुए उसका उपयोग किया जा सके। विधानसभा चुनाव हमारे बिल्कुल 4-5 महीने बाद होने वाला है। हम ये चाहेंगे कि सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से, इस राजनीतिक दलों के आकाओं से, उनसे हम कहेंगे कि पत्रकार सुरक्षा कानून की बात अपने अपने घोषणा पत्र में लागू करने की बात कहें, उसको मेंशन करें, क्योंकि हम लोग उनके लिए बहुत कुछ करते हैं, वो भी हमारे लिए करें। और पत्रकार सुरक्षा कानून की बात पूरे देश में बहुत जोर शोर से तरीके से पत्रकार सुरक्षा कानून लागू होना चाहिए, इस पर हमारा भी पूरा वो है, हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि पूरे देश में कम से कम कई राज्यों में पत्रकार पेंशन योजना, चाहे वो राज्य स्तरीय का हो चाहे जिला स्तरीय का हो, हमारी ये मांग है सरकार से कि जिस तरीके से राज्य स्तरीय पत्रकारों को पेंशन दी जा रही है दूसरे राज्यों में, उसी तरीके से यूपी में राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय पत्रकारों को भी अविलंब पेंशन की घोषणा की जाए या लागू की जाए। और जो है, जो पत्रकारों के सामने समस्याएं आती है, हर प्रदेश के हर जिला सूचना कार्यालय में एक ऐसी आपात निधि की व्यवस्था की जाए जो पत्रकारों की आवश्यकता पड़ने पर उनकी जो है तत्काल मदद की जाए। होता क्या है कि तत्काल मदद पत्रकारों को मिलती नहीं है, जिसकी वजह से बड़ी समस्याएं क्रिएट होती हैं। ये हमारी मांग है। अच्छा, क्योंकि सुझाव तो बहुत सारे हैं, लेकिन सरकार की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं उस पर किसी भी तरह का जो काम होना चाहिए धरातल पर, वो कहीं नहीं हो पाता। क्या रीज़न माने और उन्हें किस तरह से धरातल पर लाने का उत्तर प्रदेश? देखिए, कोरोना काल में हम लोगों के सामने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है, पत्रकारों के सामने विशेष रूप से। अभी हमारे कोरोना काल में कई साथी दिवंगत हो गए थे और हमारे और उत्तर प्रदेश राज्य मुख्यालय मान्यता समिति कमेटी के अध्यक्ष हेमंत तिवारी जी के प्रयास से, यूनियन के प्रयास से, मुख्यमंत्री जी ने दिवंगत पत्रकारों के परिवारों को 10-10 लाख रुपये की सहायता उपलब्ध कराई है। ऐसा नहीं कि सरकार हमारे अगेंस्ट, हमारे फेवर में हमारा काम कर रही, हमारी बात सुन रही। और सरकार की मैं तारीफ करूंगा कि कम से कम जो है दिवंगत पत्रकारों के परिवारों को एक आर्थिक सहायता पहुंचाने का कार्य किया है। अब अगर बात करें, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे हिंदुस्तान में भी लगातार पोर्टल जो न्यूज चल रहे हैं उनको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या उस कैटेगरी में कहीं ना कहीं यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन कुछ काम करेगी? नहीं, यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट ये मांग करती है, मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में ये पहली बार है जो उत्तर प्रदेश सरकार ने पोर्टल को मान्यता दी है और पोर्टल का रजिस्ट्रेशन भी किया जा रहा है। और विशेष रूप से जो सैगल साहब और ACS हमारे जो सूचना के हैं, नवनीत सैगल जी और शिशिर जी ने जो कार्य किया है पोर्टल के लिए, पोर्टल की मान्यता अभी तक किसी सरकार ने नहीं की, ये पहली सरकार है जिसने पोर्टल की मान्यता दे दी है। और पोर्टल को जो है वो आर्थिक सहायता भी हर महीने विज्ञापन के माध्यम से प्रोवाइड कर रही है। पोर्टल की मान्यता अभी तक नहीं हुई थी, लेकिन इस सरकार में पोर्टल की मान्यता भी होने जा रही है। अच्छा, इसके अलावा और कोई नई जो रणनीति है पत्रकारों के हित में कुछ? देखिए, अभी पत्रकारों के हित में सबसे बड़ी रणनीति क्या कहेंगे उसको, कि मान्यता कमेटी इस समय नहीं है। मान्यता कमेटी की मैं मांग करता हूँ जल्दी जल्दी मान्यता कमेटी का अविलंब गठन हो, जिससे कि जिले की मान्यताओं के सारे प्रकरण जो
लंबित हैं उस पर कोई भी कुछ विचार करके उनकी समस्याओं का दूर किया जाए।